छत्तीसगढ़ जिले के कोरिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दर्ज गिरावट के बाद 15 मई से कोरिया जिला अनलॉक किया गया था। इसी बीच ब्लॉक के कई ग्राम पंचायत में अभी भी कोरोना पॉजिटिवों के मिलने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने पूर्व में भी सूचित किया था कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां पर कोविड संक्रमितों की संख्या ज्यादा होगी उक्त क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें, भरतपुर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन तथा साथ ही साथ इमरजेंसी को छोड़कर लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंध रहेगा। हम आपको बता दें, वहीं भरतपुर में पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कोरोना संक्रमित हर दिन पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। गांव में कोरोना की रफ्तार देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करने के साथ साथ आग्रह कर घरों से बाहर न निकलने की समझाइश दी गई है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए पप्पू कुमार की रिपोर्ट। एमपी जी, हम लोग के यहाँ नाका में ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग आने जाने वाले लोग को रोका जाता है हमें, और क्या कहते हैं, जानकारी लिया जाता है। उन लोग का गाड़ी नंबर, आधार कार्ड नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एमपी वाले लोग को सख्त माना है जाना। एमपी वाले लोग को हम नहीं आने जाने देते हैं, और बिन मास्क वाले लोगों का चलान काटा जाता है। भरतपुर से अभी हमारे ड्यूटी लगाए गए, हम एमपीबी से हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर। हमारी ड्यूटी लगाई गई अभी भरतपुर में, कोविड का कोई मरीज निकला तो सील किया गया है ताकि बाहर का कोई इंसान भरतपुर ना आ सके या फिर भरतपुर को क्रॉस ना कर सके। तो इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई। हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हम यहाँ प्रॉपर रहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में कोई 2 और MPB आते हैं, और वो शाम को 6 बजे तक रहते हैं। अपने ग्राम पंचायत भरत में कोविड मरीज ज़्यादा 54-55 केस रहा। प्रशासन के आदेश अनुसार अपना ग्राम पंचायत कंटेनमेंट जोन घोषित है, कि अपने गांव की सुरक्षा के लिए महिला वार्ड पुलिसों को चारों रोड में बैरियर लगाया गया है। अपने गांव की सुरक्षा के लिए अपने गांव वालों को 2 तारीख तक कंटेनमेंट जोन घोषित है। गाँव वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहरी लोगों के अपने गांव में नहीं आने दिया जा रहा है ताकि बीमारी फैले ना। और एक एक टाइम 2-2 महिला वार्ड पुलिस सवेरे 6 बजे से 2 बजे तक, 2 महिला वार्ड पुलिस 2 बजे के बाद 6 बजे तक, शाम तक एक दूसरे महिला वार्ड पुलिसों को लगाया गया है।